हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यह है सुबह का टाइम और मम्मी बना रही हैं आज आखिरी बार मेरे लिए फाइनली तोरे की सब्ज़ी, और यहाँ पर रोटी बन रही है और पापा को भी नाश्ता दे दिया जाएगा। तो आज फाइनली हो गया है मेरा सवा महीना। अच्छा, मैं ये आपको बताती चलूँ कि सवा महीना जब खुशी का होता है, जैसे कि अभी मेरा बेबी हुआ है तो यह खुशी का है, तो ये पूरा एक महीना 40 दिन का नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर गम का होता है तो वो पूरे 40 डेज़ का होता है। इसमें कुछ दिन कम कर लेते हैं तो मेरा जो हुआ है वो हुआ है 1 महीना 7 दिन का। तो जी हाँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मेरा तो इतना है। तो बस ये यहाँ पर मम्मी आ चुकी हैं। मम्मी कहाँ से आ रही हैं आज? मम्मी बहुत इधर उधर भागी भागी हो रही हैं। गिफ्ट? अच्छा, शादी में देने के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। पैकिंग तो बड़ी अच्छी करवा कर लाई हैं आप, सब काम मम्मी के डिश रहते हैं। ये मम्मी हमारे लिए लेकर आई हैं। आज हम नहाएंगे, हमने आपको पहले बता दिया आज हमारा सवा महीना है, तो उसके लिए ये फूल भी ले आएंगे, वो फूल भी ले आएंगे। अच्छा अच्छा, फूल देते अभी मम्मी आएगी ना तो डालेंगे उसमें, ठीक है। तो बस ये मम्मी तैयारियां करके लाई हैं। हाँ जी, रख दो गिफ्ट, रख लो, फूल तो बाहर ही रहने दो आज। लेकिन हम बड़े बुरे फंसे है ना, बाथरूम में वो हो गया ना, बाथरूम हमारा चौक हो गया, आज हम बाहर ना आएंगे। ठीक है, चले जाओ अब। हाँ हाँ, जिनकी शादी है ना मम्मी उनके यहाँ जा रही हैं, उनके यहाँ से भी नोता है, तो गिफ्ट भी अभी देकर आओगे ना? नहीं, शाम को। अच्छा, शाम को दोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। हाँ आ तो रहे हैं, आयरा आ जाती तो आयरा भी जाती, लेकिन अब हाँ इसे ले जाओ, जाओ पार्टी में चले जाओ, दावत में। पार्टी में चले? दावत में उस दिन गई थी ना शादी में, वहीं ले जा रही हूँ, जाओ। डांस करेंगे, डांस होगा। अच्छा, और क्या लाएं? हाँ दिखाओ दिखाओ। अच्छा, ये मुझे पहनाएंगी ना मम्मी, दिखाओ दिखाओ। तो ये कैसा है? अच्छा अच्छा, ये छल्ले हैं, ओके। मैं दिखाई नहीं पा रही, मैं पता नहीं क्या दिखा। फोकस क्यों नहीं कर रहा आपका? बड़ा था। अच्छा, तो मेरे तो मेरे आ जाएंगे, मेरे आ गए तो आप क्या जाना? लिबु दे दो आप, रुको, कौन से, यही ना? हाँ चलो दिखाओ, सही है, वो पता है मेरे मूड में आएगा। हाँ सही है, ये सही है। ये वाला तो नहीं अच्छा लग रहा मुझे, ये शंख वाला। अच्छा, ये अड़ेगा मामा, हर चीज़ में अड़ेगा है ना। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ये मम्मी मुझे एज ए गिफ्ट देंगी तोहफे में, लो। चलो, तो जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना, ठीक है। ये सब नहाने के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, सही है ना, जाओ आप चले जाओ। लिबा नहीं जा रही? नहीं, लिबा नहीं जा रही, लिबा आप ही होती है ना तभी जाती है, वरना नहीं जाती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हमारा सवा महीना पूरा हो रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कल भी आप लोग के साथ शेयर किया कि ये वक्त मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह साथ हो और अपने साथ हों और इतना प्यार करने वाले अपने साथ हों तो सारे वक्त निकल जाते हैं, और जब कोई अपना साथ नहीं होता ना तो फिर वो वक्त मुश्किल कटता है। खुश हो सब अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा अफसोस इस बात का है कि कुछ जैसे लोग होते हैं वो मतलब इन चीज़ों को देख के खुश नहीं होते, और वो जलते रहते हैं, इतना जलते हैं, इतना जलते हैं कि जल उनके खाक हो जाते हैं, और जो अपनी आँख की लपटें होती है ना वो दूसरों की यहाँ लगाने की उन लपटों से कोशिश करते हैं, लेकिन खैर ऐसे अगर आग लगने लगे तो फिर हो ही गया, फिर तो हर घर जल के बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से, और मेरे को थोड़ी सी हैरानी भी ये होती है कि लोगों को ये पता नहीं क्यों बहुत अलग और अजीब चीज़ लग रही है, जैसे पूरी दुनिया में मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मेरा ही सवा महीना ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबका सवा महीना ऐसा ही होता है, सवा महीने में जो मतलब जैसे लेडी को काम नहीं करने देते, किचन की चीज़ों में हाथ नहीं लगाने देते, किचन में वो जाती भी नहीं है, और उनके बर्तन भी मुझे मेरे खाने के भी बर्तन अलग है, मेरी पानी पीने की बॉटल्स अलग हैं, सब कुछ मेरा अलग है, तो मैं इसलिए किचन में जा नहीं सकती। तो लेकिन हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं हमने उस हिसाब से किया, लेकिन पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों को दिक्कत हो गई। खैर,
दिक्कत वालों को तो हर चीज में दिक्कत होती है। और हाँ, मुझसे ना बहुत सारे लोग, मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, जिन्हें मैं प्रॉपर नेगेटिव लोग कहती हूँ, वो कुछ ना कुछ बात ले आएंगे, पता नहीं कौन कौन सी निकाल कर पे कहेंगे इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो उनकी मतलब उनका जवाब ये है कि उनके लिए कोई जवाब ही नहीं है, उन लोगों को कोई जवाब नहीं मिलेगा। अपनी राम कथा आप सुनाते रहे और जो करना करते रहे। ले वो हटो पीछे। तो बस आज के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अब मैं बस नहाने जाऊंगी, और क्या कहते हैं उसके लिए मम्मी ने, मतलब अभी मम्मी सामान वामान लेने गई हैं बाज़ार से, वो आ जाएंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी क्या लेने गई हैं। बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं रहे, हम लोग सोच रहे थे, मैंने कल भी बताया था कि हम बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं अब आज शादी निकल आई है तो बाहर ही जाना हो गया, बस ऐसे ही करेंगे। वैसे रिवायतन तो मायके जाना चाहिए था, लेकिन अब मायके नहीं जा रही हूँ, और मेरा कोई मायके वाला यहाँ पर रहता भी नहीं, आसपास में भी नहीं रहता, इसलिए फिर मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, वरना पैर फिराने के लिए जाते हैं, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस शादी में जा रही हूँ और मैं टूर्स इन्जॉय करने जा रही हूँ। तो उसके लिए अभी मैं नहाऊँगी, और उसके बाद ना अपने सारे, मतलब वही अच्छे वाले जो कपड़े होते हैं, मैंने बताया यहाँ तो मैं बस दो जोड़ी लाई थी, बच्चों की भी ज़्यादा नहीं है, तो घर जाना पड़ेगा और वहाँ से कपड़े लाने पड़ेंगे। तो देखो आज जुम्मा है तो नमाज़ पढ़ने आएंगे भैया पापा दोनों, तो भैया के साथ जाऊँगी, तो वहाँ से कपड़े लेकर फिर आ जाऊँगी। तो मतलब जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करूँगी, बस आई एम सो हैप्पी। मिलते थोड़ी सी देर में। चलिए भाई, यहाँ पर हमारा पानी रेडी हो चुका है, हालांकि पानी गर्म है, लेकिन इसके अंदर हमने डाली हैं फूल की पत्तियाँ। वैसे ये हर साल बाजी करती है ये काम, लेकिन आज बाजी नहीं है तो हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ के जो फूल होते हैं ना बहुत खुशबूदार होते हैं, और जो दिल्ली के फूल होते हैं वो खुशबूदार बिल्कुल नहीं होते। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर पता नहीं कौन से गुलाब होते हैं और यहाँ पर देसी गुलाब होते हैं, तो इसमें जो खुशबू है आज इसे नहा के तो मैं बहुत ज़्यादा खुशबूदार होने वाली हूँ। चलो अब इसे नहा लेते हैं और फिर आपको बाद में मिलते हैं पूरा नहाने के बाद, ठीक है। तो बस जी, यहाँ पर अब बच्चों का मेकअप होने के लिए जरा, मेकअप क्या इन्हें शौक है, एक्चुअली मैं कर रही थी तो लिबा मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो कह रही मेरा भी मेकअप करना, तो मैं ऐसे झूठ वूठ पकाने के लिए ले जाती हूँ, वो तो मैं बताऊँगी कि मुझे इनका कितना मेकअप करना है। ये नीचे वाला बॉक्स उतारो, ये जो नहीं ऊपर वाला थैला उतारो। हाँ उतारो, उतार लो, ये भारी है, रुको मैं चढ़ती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर हमारी आयरा हो कि रेडी। आयरा हाय करो, लिबा 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 इधर आओ, अपनी ड्रेस दिखाओ, आओ आओ, हाय गाइस को दिखाओ, मम्मा आप आ जाओ, सबके कपड़े भी दिखाती हूँ आपको। और छोनू नहीं जा रही हैं, छोनू को नहीं लेके जा रहे हैं, है ना छोनू? अरे ये परेशान करेगी वहाँ पर हमें, तो मैं भी नहीं जाऊँगी इसके ना। अरे इससे तुम क्या करोगी, अकेले रह जाएगी तो? दादू के पास, ऐसे थोड़ी अकेले छोड़ के जाएंगे, दादू इसके पास रहेंगे, मैं तो जल्दी आ जाऊँगी बस, ठीक है। मम्मा आओ, और ये आई हैं हमारी, हमारी क्या आपकी भी फेवरेट, ओ बेटे वो भी आज तो आप बहुत ही गजब लग रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना भी रूप, आयरा मेरे मामा को भी शूट करो। हाय गाइस, मैंने बाली बनाया है, तो बस यहाँ पर सास बहू की जोड़ी दोनों तैयार है, और आज शादी के चक्कर में इतनी भागदौड़ हो गई, कुछ घर में भी मैंने आपको बताया था बाथरूम थोड़ा सा लीकेज वो हो गया था, मतलब उसके पाइप में चोक हो गया था, तो वो काम करने के लिए भी बुलाया था, तो बहुत ज्यादा वो चल रहा था, खैर बह रहा है, वो अपनी रस्में नहीं कर पाए, रस्मों में कहाँ गया वो, फूल भी रह गए, फूल की तो हो गया, अच्छा मेरे ऊपर डालती है। अच्छा तो चलो फिर मंगवाती हूँ, अरे लेकर आओ नीचे से फूल, हो गई आपकी तैयारी, हो गई अब मम्मी की तैयारी मुकम्मल हो गई, मम्मी क्या करने जा रही है, मम्मी हमें अंगूठी बनाएंगी। हमारे यहाँ है ना शगुन में ऐसे देते हैं कुछ भी, चांदी का सिक्का छल्ला कुछ भी सही, तो वो मम्मी मुझे दे रही है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, मैं इधर चलती हूँ, अभी ठीक है। और मम्मी का कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, चलो वही डालो। बहुत बहुत शुक्रिया,
अब हम कहीं रोना पड़े। नहीं मैं ये बात कहना चाहूंगी, आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत मेरा ख्याल रखा। हमारा मतलब आपका थैंक यू। कोई इतने अच्छे से नहीं रख सकता, सच में नहीं रख सकता। आप तो बस हीरोइन बन गए। और पता आज कुछ भी नहीं था करने के लिए, लेकिन फिर भी मम्मी ने इतना स्पेशल कर दिया। बल्कि मैं तो परेशानी हो रही थी, मम्मी को इतना परेशान देखे ना, मैंने मना कर दिया। मैं मम्मा कुछ मत करो, ये फूल फूल सब रह जाता, सिंपल तरीके से मैं नहा लेती हूँ, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मम्मी तो मंगी मम्मी है, भागी भागी गई बाजार, पहले फूलों वाली शॉप पर, फिर सुनार की शॉप पर, फिर ये सब करके रखा मम्मी ने। सो स्वीट ऑफर। अब मैं चाहती हूँ कमेंट में, वैसे भी लोग मम्मा आपको बहुत प्यार करते हैं, आप वो भी प्यार, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मम्मी भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सुनती हूँ मैं, मेरी तारीफ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सब बताती हूँ मम्मी को, आप लोग तारीफ करते हो, काफी लोग कहते हैं कि मैं नहीं बताती, मैं सब बताती हूँ। बहन है बेटी है जो भी कोई है, मेरे को प्यार करती है, मैं बहुत बहुत प्यार। तो हम सबकी तरफ से आप लोग को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं, और आप लोग कमेंट करके बताना। और दुआ करूंगी, आप दीदी कह रही थी कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, काफी लोग बहुत बहुत दुआ करूंगी, धन्यवाद में दुआ करूंगी जरूर। शक्ल दिख रही दादी की, शक्ल दिख रही है, ये ना हो जाए कि दादी दिख नहीं रही। मैं आपको टाइम लगाऊंगी, आयरा शूटिंग कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही बना रही है, जो भी बनेगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अब हम लोग को लेट हो गई, अब हम जल्दी से जाते हैं शादी में।